जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओकेटेक में। तो दोस्तों NMDC फील्ड अटेंडेंट के लोकल जीके की ये हमारे 6 नंबर की क्लास है, तो जिसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट ऐप है लोकल जीके का क्वेश्चन बनने वाले, तो उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इससे पहले के जो भी हमारे 5 पार्ट जिसमें हुए, जिसमें देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से अगर आप हमारे सभी पार्ट भी अगर करके चले गए तो जिनके आप लगभग देखे 65+ ही स्कोर करके आ सकते हो और अच्छा स्कोरिंग आपका हो जाएगा और साथ ही सिलेक्शन की तरफ आप अपना कदम बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपको कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी अपना ध्यान दीजिए, ताकि जो मैं जैसे बोलूँ आपके दिल सीधा समझ जाएगा और आपके दिमाग में फीड बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसका, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम साहित्य में छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग किसने किया था, यही हमें बताना है। तो देखिए जो सर्वप्रथम साहित्य में जो छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग किया था तो वो थे कवि दलपत राव जी ने, ठीक है। जो कवि दलपत राव थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख भी देख रहा हूँ दलपत राव, ठीक है, कवि दलपत राव जो थे उन्होंने छत्तीसगढ़ का यहाँ पे नाम का प्रयोग किया था सर्वप्रथम साहित्य में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको नोट करवा दे कि छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो है आपका पहाड़ी मैना। अगर पूछा जाए कि राज्य पशु कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका जंगली भैंसा। और पूछा जाए कि उसका राज्य का वृक्ष कौन सा है, तो वो है साल या फिर आपका सायरी का वृक्ष, ठीक है। तो ये जो तीन है छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों को नोट कर लीजिएगा। और साथ ही देखिए दोस्तों जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ उसको भी स्टेप बाय स्टेप नोट्स करते चलिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए 3 पॉइंट हमारे बन गए, राज्य पक्षी पूछे तो पहाड़ी मैना, पशु पूछे तो जंगली भैंसा, अगर पूछे वृक्ष तो हो जाएगा आपका साल या फिर सायरे का वृक्ष। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कुल यहाँ पे क्षेत्रफल हमें बताना है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था दांतेवाड़ा का कुल क्षेत्रफल, तो देखिए उस दोस्तों उसको आपको कमेंट में लिखना है कि उसना दांतेवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ये पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है तो वो देखिए यहाँ पे 135,192 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आपका छत्तीसगढ़ का कुल मिला के यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगले ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है तो अपने देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है तो वो जो अपने पूरे भारत देश का देखें 4.11 यानी देखें 4.11% ये कुल देश के क्षेत्रफल का है, ठीक है। तो कुल देश के क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 4.11%, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, छत्तीसगढ़ में देखे यहाँ पे राज्यसभा की सीटें पूछी गई है, ठीक है, राज्यसभा की अगर सीटों की बात करें तो कितने कुल मिला के देखे राज्यसभा की सीटें 5, ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितने 5, अगर पूछा जाए लोकसभा की सीटें तो लोकसभा की सीटें देखे कुल मिलाकर 11, अगर पूछा जाए आपको विधानसभा की सीटें तो देखिए विधानसभा की सीटों की संख्या कितने, तो वह कुल मिला के 90 जो सीटें यहाँ पे विधानसभा की है, ठीक है। तो देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, राज्यसभा की अगर सीटें पूछे कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में, अभी हम छत्तीसगढ़ का थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5, अगर पूछे लोकसभा की तो लोकसभा की सीटें कितने हैं, तो 11, अगर पूछे विधानसभा की तो विधानसभा की सीटें आपकी 90, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में धान का कटोरा कहते हैं, तो देखिए जो विश्व में अगर पूछा जाए कि धान का कटोरा किसे कहते हैं तो वो कहते हैं चाइना को, ठीक है, किसे कहते हैं, तो चाइना को धान का कटोरा कहते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ को, मैं ये जो ऊपर वाला पॉइंट इसलिए ऐड करता हूँ आपको दोनों भी पता होने चाहिए, अगर पूछे विश्व में धान का कटोरा किसे कहते हैं तो वो कहते हैं चाइना को, अगर पूछा जाए कि भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं तो वो कहते हैं आपके छत्तीसगढ़ को, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, तो देखिए वो होता आपका 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को क्या छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। और साथ ही देखिए अभी पूछ लिया जाए कि आपको उत्तराखंड के स्थापना कब हुआ था, तो देखिए जो उत्तराखंड था तो उसका स्थापना हुआ देखिए उसके 8 दिन बाद यानी 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का यहाँ पर स्थापना हुआ था और 1 नवंबर को हुआ था छत्तीसगढ़ का। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, नया रायपुर का वर्तमान नाम क्या है, तो देखिए जो नया रायपुर है उसका नाम चेंज कर दिया था, जिसका अभी फिलहाल में नाम है अटल नगर, ठीक है, तो अटल नगर जो है इसका अभी फिलहाल में नाम है नया रायपुर का। अगला क्वेश्चन है,
पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दूसरी से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में अभी बताना है कि उसमें सबसे क्षेत्रफल की दूसरी से सबसे छोटा जिला बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा जिला है तो वो है दुर्ग, ठीक है। दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो दुर्ग जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और साथ ही देखिए उसके नीचे एक और बड़ा है, अभी हमने देखा था कि क्षेत्रफल के दूसरी से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा दुर्ग। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो सब बड़ा हो जाएगा आपका सरगुजा, ठीक है। सरगुजा छत्तीसगढ़ में कौन सा, सबसे छोटा पूछे तो दुर्ग, सबसे बड़ा पूछे तो सरगुजा क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय नृत्य महोत्सव जो 2021 में हुआ था आयोजन, तो वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था रायपुर में, ठीक है। तो जो जनजातीय नृत्य महोत्सव था छत्तीसगढ़ में, तो उसका आयोजन हुआ था इस बार जो 2021 में हुआ था, तो रायपुर में, ठीक है। फिर देखिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के किसानों का प्रारंभ किया, तो वो किया था आपके भूपेश बघेल जी ने, ठीक है। ठीक है, को फिर से रिपीट करता हूँ, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को किसने प्रारंभ किया, तो ये किया था भूपेश बघेल जी ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला शहर जहाँ शहरी लोगों के लिए वन भूमि अधिकार पत्र प्रदान किया गया, तो वो था आपका जगदलपुर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा पहला शहर है जहाँ शहरी लोगों के लिए वन भूमि अधिकार पत्र, ठीक है, वो यहाँ याद रखना, वन भूमि अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, तो वो था आपका जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर जो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जगदलपुर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि किस जिले को सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो देखिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड होता है तो वो किया गया था दंतेवाड़ा को, ठीक है। दंतेवाड़ा को सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए दंतेवाड़ा के लोकल जीके में ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का प्रथम गार्बेज कैफे कहाँ पे, तो वो है आपका अंबिकापुर में, ठीक है। अंबिकापुर में जो देश का सबसे प्रथम यहाँ पे गार्बेज कैफे है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहला बर्ड्स पार्क बनाया, तो देखिए जो कौन से शहर में है जहाँ पे पहला बर्ड्स पार्क यहाँ पे बनाया गया था, तो वो देखिए यहाँ पे सजनंदनगांव, ठीक है। सजनंदनगांव यहाँ पे लिख देता हूँ, सजनंदनगांव, ठीक है। सजनंदनगांव जो इसको देखिए यही शहर है जिस वहाँ पे पहला बर्ड्स पार्क बनाया गया था, ठीक है, बर्ड्स पार्क। और साथ ही देखिए जो हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो अंबिकापुर में हमने बताया था यानी प्रथम गार्बेज कैफे, तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर है। जो अंबिकापुर है ये छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर है। कभी पूछ लिया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है आपका अंबिकापुर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हमारे बन गए, ठीक है। और पहला बर्ड पार्क कहाँ पे, तो सजनंदनगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला ई लोक अदालत कौन सा है, तो देखिए देश का पूछे ई लोक अदालत, तो वो है आपका बिलासपुर का, ठीक है। बिलासपुर में क्या है, देश का पहला ई लोक अदालत है, ठीक है, बिलासपुर, ठीक है। ई लोक अदालत कहाँ पे है, तो बिलासपुर में जो क्या है, देश का पहला ई लोक अदालत है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली बिरछोर छात्रा कौन थी, ठीक है। तो ये पूछे बिरछोर छात्रा है, ठीक है, बिरछोर छात्रा कौन थी, तो वो थी आपकी निर्मला कुमारी, ठीक है। तो निर्मला कुमारी जो थी वो क्या थी, 12वीं उत्तीर्ण करने वाली पहली बिरछोर छात्रा थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं निर्मला कुमारी, अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए और साथ ही अपने नोट्स बनाते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किसानों, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं काटे देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो ये कहाँ पे, तो ये छत्तीसगढ़ में। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, धान से इथेनॉल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य, तो देखिए जो धान से इथेनॉल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है, तो वो कौन सा है, वो भी है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जो देश का पहला है, ठीक है। क्या किस लिए, तो धान से इथेनॉल तैयार करने में देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का देखिए 150वां तहसील तो कौन सा है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का 150वां तहसील है बड़े बचेली, ठीक है। बड़े बचेली ये क्या है आपके छत्तीसगढ़ का
150वां तहसील है, क्योंकि ये 150वां इसलिए जो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है चुप्पी तोड़ो अभियान, तो ये किस लिए था, तो देखिए जो चुप्पी तोड़ो अभियान था तो ये था आपका महिलाओं के घरेलू हिंसा संबंधी से था, ठीक है, महिलाओं के घरेलू हिंसा संबंधी से ये अभियान था, कौन सा, तो चुप्पी तोड़ो अभियान, जो महिलाओं पर घर पर अत्याचार वगैरह होते तो उससे संबंधित ये अभियान था, ठीक है, चुप्पी तोड़ो अभियान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन प्रहार, तो देखिए ऑपरेशन प्रहार ये किससे संबंधित है, तो ये है आपका देखिए बस्तर में, ठीक है, तो बस्तर में ये ऑपरेशन प्रहार चलता है, ठीक है, यानी ऑपरेशन प्रहार कहाँ पे है, तो बस्तर में। अगला देखिए क्वेश्चन, तो देखिए ये अभी जितने में अभी ये आपको नंबर नोट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप नोट करवा लीजिएगा, इनके हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, देखिए 102 किसके लिए है, तो महामारी के लिए, ठीक है, 102 है महामारी के लिए, अगर बोले जाए 104 तो 104 किस लिए, तो आरोग्य सेवा के लिए, और जो आपका एक्सप्रेस है तो उसके लिए कितना है आपका, नहीं ये जो 102 है ये इसी के लिए महामारी एक्सप्रेस के लिए, और साथ ही 104 आरोग्य सेवा के लिए, और जो आपका 108 है तो वो है आपका संजीवनी एक्सप्रेस के लिए, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, 102 है मोहलारी एक्सप्रेस, ठीक है, ये मोहलारी एक्सप्रेस है, 104 है आपका आरोग्य सेवा, और 108 है आपका संजीवनी एक्सप्रेस, ठीक है, तो ये तीन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना किस वर्ष के अवसर पर स्टार्ट किया, ठीक है, तो देखिए ये पर्व हमें बताना है कि कौन से पर्व के अवसर पर गोधन न्याय योजना यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो देखिए ये किया गया था आपका जो हरेली पर्व होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो हरेली पर्व होता है तो उसी पर्व पर यहाँ पे गोधन न्याय योजना को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रतिशत, तो देखिए ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रतिशत किसका है, तो एसटी का जो, ठीक है, एसटी और एससी का हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में एसटी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा का किस जिले में, और साथ ही एससी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस जिले में, ठीक है, तो एससी एसटी से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है तो उसमें देखिए ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एसटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपके सुकमा जिले में, ठीक है, सुकमा जिले में जो एसटी लोग है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, सुकमा जिले में, ठीक है, अगर पूछा जाए कि एससी लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं जो छत्तीसगढ़ का जिला है, तो वो है आपका मुंगेली, ठीक है, तो मुंगेली में जो एससी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, मुंगेली में, तो ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला प्रथम रहा, तो देखिए जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है तो उसके क्रियान्वयन में देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला प्रथम रहा, तो वो था आपका दांतेवाड़ा, क्योंकि दांतेवाड़ा से लोकल जीके बनता है, तो देखिए ये दांतेवाड़ा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो दांतेवाड़ा जो जिला है वो किसके क्रियान्वयन में प्रथम रहा, तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक वर्ष में देखिए 100 नक्सलियों ने क्या आत्मसमर्पण किया, ठीक है, तो ये बताना है कि छत्तीसगढ़ का देखिए दांतेवाड़ा ऐसा जिला है जहाँ पे देखिए एक वर्ष में लगभग 100 नक्सलियों ने क्या आत्मसमर्पण किया था, ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने लोकल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए, देखिए अभी कुल मिलाकर हमारे 6 पार्ट हो गए, इससे आगे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्लासेस आने वाली है, तो दोस्तों ये वाली क्लास आपको कैसे लगी, क्वेश्चन का लेवल और साथ ही आपको समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट में लिखते चलना, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे क्लास अपलोड होती है तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में, जय हिंद।